बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रामीम असल डियर फ्रेंड्स दिस इज़ लेक्चर नंबर फ़ाइव फ्रॉम चैप्टर नंबर फ़ोर फर्टिलाइजेशन एंड द थर्ड पॉइंट फ्रॉम टॉपिक एक्सटर्नल फ़र्टिलाइजेशन ऑफ़ सी अर्चन फ्रॉम डेवलपमेंटल बायोलॉजी फॉर बी एस जोआलॉजी एंड एम एस सी जोआलॉजी स्टूडेंट्स डियर फ्रेंड्स आज उसका एक तीसरा हम स्टेप देखते हैं एक्सटर्नल फ़र्टिलाइजेशन का सी अर्चंस के अंदर तो डियर फ्रेंड्स टाइटल नेम क्या है एंड बाइंडिंग ऑफ स्पम टू एक्स्ट्रा सेलुलर कोट ठीक है यानी कि जो स्पम है वो किस तरह से रिकॉगनाइज करेगा और उसके बाद वो बाइंड होगा किसके साथ एक्स्ट्रा सेलुलर कोट ऑफ एग के साथ क्या होने वाला है डी एंड बाइंड होने वाला है तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि एग सेल की जो पेनिट्रेशन है एग सॉरी uh, जो स्पम सेल है उसकी जो पेनिट्रेशन है एग जाली के अंदर ठीक है वो किस तरह से होगी देखिए लास्ट जो लेक्चर था वहां पे हमने एंड यहाँ पे किया था कि एक्रोसोमल प्रोसेसेस होंगे एक्रोसोमल प्रोसेसेस होंगे जिसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स आपके पास कुछ इस शेप के अंदर डायग्राम बन गई थी यानी कि एक्रोसोमल प्रोसेस कुछ इंजाइम तो वगैरह रिलीज हुए थे आ, देन हमारे पास डियर फ्रेंड्स जो माइक्रोफिलाेंट था माइक्रोफिलाेंट्स की पोलीमराइजेशन हुई और उसका जो हेड रीजन था वो आपको कुछ इस शेप के अंदर का देखने को मिल गया था इज डेट क्लियर तो हमने इसको नाम दे दिया था एक्रोसोमल प्रोसेस का नाम दे दिया एक्रोसोमल प्रोसेस का नाम दे दिया अब डियर फ्रेंड्स ये जो एक्रोसोमल प्रोसेसेस होते हैं ना इस एक्रोसोमल प्रोसेस के ऊपर एक स्पेशल किस्म की हेल्पिंग रिकॉग्निशन प्रोटीन होती है ऐसे अब ये जो स्पेशल किस्म की हेल्पिंग रिकॉग्निशन जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को हम क्या नाम देंगे हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ बाइंडिंग क्या नाम देंगे बाइंडिंग का नाम देंगे तो ये जो बाइंडिंग होती है ये असल में हेल्प करती है किसी भी जो स्पम्प है उसकी जो सेल की एक्स्ट्रा सेलुलर कोट होगा या फिर जो इनवेलप होगा उसके साथ बाइंड करने के लिए क्या करती है हेल्प करती है तो आपको एक चीज याद रखनी है फिर डियर फ्रेंड्स हमने बात की थी कि दो स्पीशीज के हमारा जिक्र चल रहा है एक है स्ट्रों, स्ट्रोंग एक स्ट्रोंग आइलो सेंट्रोटस पर एक स्पीशी क्या है स्टोन स्ट्रोंगलो स्ट्रोंगलो सेंट्रोटस परप्यूराइटस पर प्यूराटिस एक तो ये हो गई और डियर फ्रेंड्स अब ये जो चीज होती है ना स्ट्रोंगाइलो सेंट्राइटस परप्यूराइटस इसकी जो बाइंडिंग प्रोटीन होगी ना वो अलग होगी और इसकी जो बाइंडिंग प्रोटीन होगी उस बाइंडिंग प्रोटीन को एक्सेप्ट करने के लिए एक रिसेप्टर साइट होगी एग के इज न क्लियर तो वो जो रिसेप्टर साइट होगी इसकी सेपरेट है और इसके अलावा जो दूसरी हमने स्पीशी पढ़ी थी जिसका नाम क्या था अर्बेशिया पनकुलेटा अर्बेशिया जो स्पीशीज थी उसकी जो बाइंडिंग प्रोटीन होगी वो अलग होगी तो ये आपको चीज़ याद रखनी है कि जो अर्बेशिया स्पीशी है अर्बेशिया पन ये स्पीशी ये स्पीशीज जो होगी डियर फ्रेंड्स अलग होगी और जो दूसरी होगी वो क्या है अलग है यानी कि इसकी जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो इसकी बाइंडिंग प्रोटीन जो होगी वो दोनों सेपरेट्स होंगी यानी कि इसकी बाइंडिंग प्रोटीन सिर्फ इसी के रिसेप्टर साइट्स के साथ जाके अटैच हो सकती है इस के रिसेप्टर साइट के साथ जाके अटैच नहीं हो सकती ज नॉट क्लियर और ये प्रेजेंट कहाँ पे होगी आपने कहना है ये एपी पी एन के एक्रोशोमल प्रोसेस होंगे वहां पर प्रेजेंट होगी और ये स्पम एग जो रिकॉगनेशन है उसमें हेल्पफुल होगी किस प्रोसेस में हेल्पफुल होगी इट इज हेल्प इन द स्पम एंड एग रिकॉगनेशन स्पम एंड एग रिकॉगिनेशन प्रोसेस होगा उसमें यह क्या करेगा हेल्पफुल होता है अब डियर फ्रेंड्स फर्ज करें यानी कि ऐसा सोचा जाता है कि एक तजवीज है कि जो स्पीशी स्पेसिफिक डरफ्रेंड होती है ना बाइंडिंग रिसेप्टर ऑन द एग बाइंडिंग रिसेप्टर ऑन एग अब इसका मतलब क्या हुआ डेफ्रेंट इसका मतलब यह है कि हमने अभी कहा कि ये जो बाइंडिंग है ये स्पर्म और एग की रिकॉग्निशन में हेल्पफुल हेल्पफुल है हेल्फुल कैसे है कैसे कि इसकी जो बाइंडिंग प्रोटीन होगी उस बाइंडिंग प्रोटीन को के जो रिसेप्टर होंगे वो कहाँ भी पाए जाएंगे वो डियर फ्रेंड्स पहली बात वो एग पर पाए जाएंगे एग मेम्ब्रेन पर पाए जाएंगे दूसरी बात डियर फ्रेंड्स अगर हम वाइट लाइन लाइन जो है लेयर या मेमब्रेन उसकी बात करें या इन्वेलप की बात कर लें तो डियर फ्रेंड्स ये वहां पर भी इसके रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंस होंगी और तीसरी चीज अगर हम डियरफ्रेंट प्लाज्मा इम की बात करते हैं तो ये प्लाज्मा इम पर भी आपको देखने को मिलेंगे इज नॉट क्लियर तो हमारा जो पहला स्टेप है वो बहुत ही सिंपल सा है आपने कहना है कि इस तरह से जो बाइंडिंग रिसेप्टर्स होंगे वो आपको इन इन जगहों पे देखने को मिलेंगे और जो बाइंडिंग रिसेप्टर्स होंगे उनको हम क्या नाम देंगे हम उनको नाम देंगे ई बी आर ई बी आर वन ई बी आर वन ये ई बी आर वन एक बाइंडिंग रिसेप्टर होता है और ये असल में डियर फ्रेंड क्या होता है एक ग्लाइको प्रोटीन है इट इज अ ग्लाइको प्रोटीन होती है इट इज अ ग्लाइको प्रोटीन होगी ग्लाइको प्रोटीन जो कि फ्रेंड्स हाल ही में डिस्कवर हुई है एग के ऊपर तो ये हमारा जो स्टेप नंबर थर्ड है वो यहां पे कंप्लीट हो गया अब हम स्टेप नंबर फोर की बात करते हैं स्टेप नंबर फोर है कि पासिंग ऑफ स्पर्म पासिंग ऑफ स्पर्म थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर इनवेल पासिंग ऑफ स्पम चले हम ऐसे लिख लेते हैं अब ये देखेंगे कि जो स्पम है वो किस तरह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लोइड होगा मीडियम होगा वहां से वो पास करने वाला है डियर फ्रेंड्स अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ही माइनर सा छोटा सा पॉइंट है तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जैसे ही जो स्पम है वो एग के साथ आके अटैच हुआ बाइंडिंग प्रोटीन ने जाके रिसेप्टर साइड्स पर अटैच हो गई अब जैसे ही डियर फ्रेंड्स ये सारा मैकेनिज्म कंप्लीट होगा इस मैकेनिज्म्स के कंप्लीट होते ही होने के फौरन बाद क्या होगा डियर फ्रेंड्स जहाँ पे ये जाके अटैच हुआ होगा ना वहाँ पर लाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएगा उस पोर्शन की क्या हो जाएगी लाइसिस हो जाएगी लाइसिस ऑफ पोर्शन उस पोर्शन की लाइसिस हो जाएगी जहाँ पर क्या चीज़ अटैच हुई है वेयर स्पम्स अटैच वेयर स्पम अटैच जहाँ पे स्पम जाके अटैच हुआ है एग के साथ या स्पम की जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो रिसेप्टर बाइंडिंग के साथ अटैच हुई है वहाँ पर क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड्स आपने कहना है वेयर स्पम्प्स अटैचेस वहाँ पर क्या हो जाएगी लाइसिस स्टार्ट हो जाएगी इज नाट क्लियर और जब वो लाइसिस स्टार्ट होगी फिर डियर फ्रेंड्स वो जो एक्रोसोमल इन्जाइम्स होंगे वो स्पम के हाइड्रोजन में पाए जाएंगे और वो जो स्पम के हाइड्रोजन में इंजाइम्स पाए जा रहे हैं एक्रोसोमल इन्जाइम वो डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे वो इस रीजन पर रिलीज कर दिए जाएंगे एक्रो सोमल तो एक्रोसोमल एक्सोम इसके अंदर क्या करेंगे यानी के पास होने में गुजरने में मेन रोल प्ले करेंगे अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फाइव पॉइंट नंबर फाइव है हमारे पास फ्यूजन ऑफ एग फ्यूजन ऑफ एग एंड स्प सेल मेम्ब्रेन स्पर्म सेल मेम्ब्रेन अब डियर फ्रेंड्स ये आ गया एक आखिरी स्टेप का किस तरह से जो स्पर्म और एग है उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपस में मिल जाती है फाइनली ओके डियर फ्रेंड्स अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो देखें जो आउटर कोट है वो क्या हो चुका है टूट चुका है जैसे ही आउटर कोट टूटेगा आउटर कोट के टूटते ही जो स्पम और एग है ना इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाएंगी यानी कि सपोज डेटफर्स करें आप ये आपके पास बाहर वाली साइड पर आ गई ठीक है जेली लेयर अब जेली लेयर के अंदर वाली साइड पर यह क्या चीज़ मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से मौजूद है अब डियर फ्रेंड्स जैसे ये जेली लेयर टूटा है ना जेली लेयर को टूटते ही यहाँ पर क्या चीज़ आके अटैच हुई थी यहाँ पे स्पम आके अटैच हो गया था अब जैसे डियर फ्रेंड्स ये टूटा है टूटने के साथ ही ये देखें यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन्स होंगी ये आपस में इस तरह से अटैच हो जाएंगे यानी कि उसने ये कहा कि एज द ब्रेक डाउन ऑफ द पोर्शन ऑफ द लेयर ऑफ फर्टलाइन इन्वेलप आर जाली कोड ब्रेक्स डाउन एज द रिजल्ट वट विल बी हैपनिंग देयर द सेल मैम ब्रेन ऑफ द स्पम सेल्स कंबाइंस विद द सेल मैम ब्रेन ऑफ द एग सेल तो सेल मैंड ब्रेन जो स्पम और एग की होंगी वापस में क्या कर जाएंगी ज्वाइन कर जाएंगी और जो स्पम एग बाइंडिंग होगी डियर फ्रेंड्स उस उन रीजन्स पर ठीक है जो स्पम सेल बाइंडिंग रीजन्स होंगे वहाँ पर आपको बहुत सारे कुछ बाहर की जाने पर डिवेलप स्ट्रक्चर्स दिखाई देख देखने को मिलेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे और हम उनको क्या नाम देंगे हम उनको नाम देंगे माइक्रोविलाई यानी कि वो बहुत छोटे होंगे वो क्या होंगे बहुत ही छोटे होंगे और ये क्या बनेंगे डियर फ्रेंड्स जो माइक्रोविलाई होंगे ये आपको फर्टिलाइजेशन कौनस बना देंगे फर्टिलाइजेशन कौन बना देंगे इज न क्लियर तो क्या हुआ कि स्पर्म सेल आके अटैच हुआ जैसे वो अटैच हुआ उस पोर्शन पे लाइसिस हो गई लाइसिस हो गई तो स्पर्म और एग एक एके प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में मिल गई जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में मिली तो वहाँ पर बहुत सारे माइक्रोविलाई बने माइक्रोविलाई बने तो डियर फ्रेंड्स और क्या बन गया माइक्रोविलाई से वो फर्टिलाइजेशन कौन बना दी माइक्रोविलाई ने क्या बना दी फर्टिलाइजेशन कौन बना दी अब माइक्रोविलाई से फर्टिलाइजेशन कौन कैसे बनेगी आपने कहना कि यहाँ पर भी एक और प्रोसेस होगा हम उसको क्या नाम देंगे हम कहेंगे यहाँ पर हुई है पोलीमराइजेशन किस चीज़ की पोलीमराइजेशन हुई है आपने कहना कि यहाँ पर पोलीमराइजेशन हुई है जल्दी से बोलिए एक्टिन की ठीक है पोलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन के नतीजे में ये सारा प्रोसेस होगा इज डेट क्लियर अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्या होने वाला है यहाँ पर जो एक्रोसोमल एक्रोसोमल हैं जो कि हेड रीजन में मौजूद हैं वो कम्प्लीटली रिलीज हो जाएंगे एक्रोसोमल इन हेड रीजन ऑफ स्पम हेड रीजन ऑफ स्पम आर कम्प्लीटली रिलीज मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे इज नाट क्लियर और जैसे ये रिलीज होंगी ये डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो स्पर्म न्यूक्लियस है और जो टेल होंगे वो जो एग है ना उसके साइटोप्लाज्म में गुजरना शुरू कर देंगे यानी कि एक्रोसोमल वेजिकल निकली रिलीज हुई इन्होंने क्या किया डियर फ्रेंड्स ये जो एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोस्केलेटन वगैरह मौजूद था उस साइटोस्केलेटन को क्या करेंगे ब्रेक करना शुरू करेंगे और साथ में डियर फ्रेंड्स ये दो चीज़ें निकलेंगी एक तो एक्रोसोमल वेजिकल स्पम्प से निकलेंगी और दूसरी चीज़ आपको जो चीज़ याद रखनी है जो यहाँ से रिलीज़ हो रही है वो आपने क्या कहना है वो आपने कहना है कि जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस रिलीज़ होगा न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ से एक और चीज़ रिलीज़ होगी वो आपने क्या कहना है आप कहेंगे कि यहाँ पर सेंट्रिय असल में दो चीज़ें पास होंगी ठीक है एक तो न्यूक्लियस और दूसरा उसकी यानी कि जो टेल वाला रीजन होगा स्पम्प का वो दोनों पे पास हो जाएंगे डियर फ्रेंड्स वो आपके पास जो साइटोप्लाज्म होगा ना का उसके अंदर क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगी और वहां पे जाके dear friends, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाएगा ठीक है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज और ये भी किसके नतीजे में बनेंगे ये भी आप कहेंगे कि जो पोलिमराइजेशन है वो एक्टिन की होगी जिसके नतीजे में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाएगा और डियर फ्रेंड्स ऐसा सोचा जाता है कि क्या है कि जो एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्पम के साथ कनेक्ट हो सकती है यानी कि जो स्पम होते हैं वो एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ किसी भी जगह पे जाके कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन पाई जाती है हम उस प्रोटीन को क्या नाम देंगे फ्यूसो जैनिक फ्यूसो जैनिक प्रोटीन्स का नाम दे देंगे तो डियर फ्रेंड्स इस स्टेप में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हमने पहला चीज़ ये पढ़ी कि जैसे ही वो कंबाइन होंगे कंबाइन होते ही डियर फ्रेंड्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एग की और स्पर्म की वापस आपस में मिलेंगी जैसे ही आपस में मिलेंगे तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस माइक्रोविलाई देखने को मिलेंगे माइक्रोविलाई देखने को मिलेंगे तो डियर फ्रेंड्स माइक्रोविलाई के बनाएंगे फर्टिलाइजेशन कौन फर्टिलाइजेशन कौन किसके नतीजे में बनेंगे हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन फिर देन क्या होगा जब वो अटैच हो जाएंगे तो जो स्पम होगा वो अपनी ये जो एक्रोसोमल वेजिकल्स हैं इसको रिलीज़ करेगा जैसे ये रिलीज़ करेगा हेड रीजन से मुकम्मल तौर तो पर रिलीज़ कर दिया जाएगा तो उसके अंदर जो एग वाला रीजन है जो पोर्शन है वहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक पासेज हुए बनना शुरू हो जाएगा दैन स्पम के से न्यूक्लियस और टेल रिलीज़ होंगी ये न्यूक्लियस और टेल डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाएंगे और ये भी पोलियमराइजेशन ऑफ एक्टिन के नतीजे में होगा और कहा जाता है कि डियर फ्रेंड्स जो स्पम होता है वो एग के साथ किसी भी रीजन पे जाके अटैच हो सकता है क्योंकि इसकी शायद रीजन ये है कि जो फ्यूसोजेनिक प्रोटीन्स होती हैं जो वो कहाँ पर प्रेजेंस होती हैं वो एग की जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर मौजूद होती हैं डेट्स व जो स्पम है वो किसी भी रीजन पे जाके एग पर अटैच हो सकता है तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन uh, का मैकेनिज्म है सी अर्च के अंदर और दो स्पीशीज जिनका नाम है स्ट्रॉग आइलस परप्यूरेटस एंड द अर्बेशिया पर्कुलेटा वो कम्प्लीट हो चुका है इन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो रेगुलेशन ऑफ स्पम एंट्री इंटू द एग सेल और हम ये देखेंगे कि किस तरह से किस तरह से जब एक स्पम सेल एग सेल को फर्टिलाइज कर देता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरह से डियर फ्रेंड्स जो है वो अपने गिरदे एक एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लियर बना लेते ताकि मजीद जो स्पम्प है वो आके उसको फर्टिलाइज ना कर सके ताकि अब नॉर्मल जो जयगोट है वो ना बने ताकि पोलिस परमिश से बचा जा सके वो सारा इनशाला चीजें जो होंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टे कनेक्टेड एंड